हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सी सद्दाम कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं एमएसक्यू क्वेश्चन के लिए। आप थंबनेल में देख करके समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि आप सही आंसर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज होकर के किसी अदर कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर रॉन्ग आंसर में आप क्लिक करते हैं तो उसका कलर आपका रेड हो जाएगा। इस तरीके का प्रेजेंटेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक जैसे ही देखेंगे तो आप अपने पीसी लैपटॉप में आसानी के साथ में इस तरीके का प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। उस तरीके का आप क्वेश्चन आंसर बना करके आप अपने यूट्यूब में भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्त यार फ्रेंड के पास इसको शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। पहले इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं हमारा यहाँ पास सेकेंड वाला आइटम चल रहा है। इसके बाद जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, जैसे कि हमारा विजिबल हो गया। तो इस तरीके का एनिमेशन पावर पॉइंट में कैसे बनाते हैं चलिए बताता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पास प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ले लेंगे यहाँ पे। इसके बाद इसका हम बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड देने के लिए हम इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पास पिक्चर मिलेगा, पिक्चर पे क्लिक कीजिए। जो भी आपके पास पिक्चर हो उस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पास इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरीके से सिलेक्शन करके इसको क्या करना है, परफेक्ट इसको फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपको क्या करना है, किनारे किनारे आपको व्हाइट कलर का बॉर्डर अगर देना है तो इस तरीके से आप इसमें बॉर्डर दे सकते हो। अलग अलग तरीके का बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पास मिलेगा, लेकिन मैं अभी इसको रख लेता हूँ फर्स्ट वाले को, ये हमको अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास क्वेश्चन लिखने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास आएंगे ऊपर में, यहाँ पास देख सकते हैं यहाँ होम टैब में मिलेगा आपको यहाँ पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को लीजिए, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और इसका एक कलर दे दीजिए। कलर देने के लिए फॉर्मेट, फॉर्मेट में फिल कलर, फिल कलर में कोई भी एक दे दीजिए, मैं पीला कलर को दे देता हूँ। और शेप आउटलाइन में अगर आप देना चाहें तो कुछ भी आप दे सकते हैं, इसका कलर आपको जो भी पसंद हो उस कलर को आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस कलर में यहाँ ग्रीन कलर को दे देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप इस तरीके से इसको रख सकते हो। अब इसमें हमको क्वेश्चन लिखना है, इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पास, राइट क्लिक, यहाँ पास एडिट टेक्स्ट है इसमें, और एडिट टेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पास कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, ये वाला टेक्स्ट को कंट्रोल सी से कॉपी इस तरीके से, और इसमें आएंगे और यहाँ पास राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। बैक स्पेस एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद हमको क्या करना है, इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा ऑप्शन भी इसमें ऐड करना है। तो इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया कंट्रोल डी से। इसके बाद इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, हमने इसको छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद अच्छे जगह में इसको इस तरीके से सेट कर दीजिए। कंट्रोल डी से एक और बनाएंगे और इसको हम यहाँ पास इस तरीके से परफेक्ट सेट कर देंगे। कंट्रोल को होल्ड करके इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट और बना लेंगे और इसको यहाँ के आसपास में रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब में क्वेश्चन को टाइप कर देते हैं। टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी होगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें ला करके हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, एक बार बैक इसमें प्रेस करेंगे तो हमारा सेंटर में सेट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन को भी ले आते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्शन होगा सारा और कंट्रोल सी से कॉपी। अब इसमें आकर के हम यहाँ राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, तो सबको हम इसी तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने सारे ऑप्शन को यहाँ पास ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक मॉनिटर लगाएंगे, उसमें हमारा टाइमर चलेगा। उसको हम कैसे लाएंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में पिक्चर मिलेगा, पिक्चर में आपको मिलेगा देख सकते हैं मॉनिटर, अगर आपके पास नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो ये आपके पास मॉनिटर आ जाएगा। इसको इस तरीके से ड्रैग करके इसको छोटा कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और इसको अपने जगह पे इसको सेट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर अब आपको टाइमर बनाना है। तो टाइमर बनाने के लिए क्या करेंगे, होम टाइम में आएंगे, यहाँ पास आपको सर्कल मिलेगा इसको ले लीजिए, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग कीजिए तो आपका परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। इसके बाद इसका कलर आपको चेंज करना है तो फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट टैब में यहाँ पास फिल कलर में कोई एक कलर दे दीजिए। इसका आउटलाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे विथ में, इसके बाद इसको दे देंगे, इसका कलर हम दे देंगे यहीं से व्हाइट कलर, तो ये हमारा बन गया। इसके बाद हम एनिमेशन, एनिमेशन में एनिमेशन पैन यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक
ठीक है, इसका एनिमेशन हम आपको दे देंगे। इसका एनिमेशन क्या देंगे, व्हील। व्हील में क्या है, इस तरीके से राउंड घूमेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक टेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि एक लिखेंगे। उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में वर्ड आर्ट मिलेगा, कोई भी एक टेक्स्ट को ले लीजिए, यहाँ पर 01 टाइप कर दीजिए, इसको पकड़ करके इसको सेंटर में ला करके इसमें रख दीजिए, कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन देंगे, एनिमेशन क्या रहेगा, अपेयर रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इस रेक्टेंगल को, यानी सर्कल को, और इसको वन क्लिक जो है यहाँ पास देख सकते हैं, वन क्लिक इसको विथ प्रीवियस कर देंगे, और इस टेक्स्ट वाले को भी हम क्या करेंगे, विथ प्रीवियस कर देंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें एक एड इफेक्ट करेंगे, एड एनिमेशन, और यहाँ डिस अपेयर में जाएंगे, और डिस अपेयर हमारा कब काम करेगा, आफ्टर प्रीवियस, यानी सब दिखा देगा, इसके बाद ये हमारा क्या होगा, छिप जाएगा। अब देख सकते हैं इसको प्रीवियस जैसे करेंगे, देख सकते हैं वन हमारा लिख करके आया और हमारा गायब हो गया। अब इसी तरीके से इसको हमको क्या करेंगे, पांच हमको बनाना है, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे, इस तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ वन के जगह पर आप क्या करेंगे, हम यहाँ टू लिख देंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको कंट्रोल के साथ में इन दोनों को सिलेक्ट करके यथावत जगह पे सेट कर देंगे, फिर से करेंगे कंट्रोल डी, और अब यहाँ क्या करेंगे, हम थ्री लिखेंगे इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और इसको फिर से हम इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, फिर से कंट्रोल डी, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, चार लिखेंगे इस तरीके से, और इसको कंट्रोल को होल्ड करके इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से इसको हम सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, फिर से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, इसके बाद यहाँ पास पांच लिखिए, और इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, और इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ ले आइए कुछ इस तरीके से, फिर से कंट्रोल डी, और यहाँ पास लिखिए आप वो लिखना है, ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पास वो इस तरीके से लिख दिए। अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ में होल्ड कीजिए, और इसके बाद इसको भी इसमें सेट कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा कि अब हम जैसे ही इसको सिलेक्शन चालू करेंगे, यहाँ से इसमें प्ले करेंगे, तो देख सकते हैं पहले हमारा इस तरीके से सिलेक्शन चलने लगा, टाइमर हमारा ऑन हो गया। अब इस टाइमर को जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से सारे को सिलेक्शन करेंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से इसको हम यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल 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 इस तरीके से सबका सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाने के बाद इसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ पास आपको मिल जाएगा फिल कलर इफेक्ट में, ठीक है, फिल कलर मिला। अब इन फिल कलर में देखो इस तरीके का कलर आ रहा है, अब यहाँ पास जो कलर है इसमें आप क्या कीजिए, इसको रेड दे दीजिए, देख सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो रेड हो रहा है, तो इसका ड्यूरेशन को हम चेंज करके क्या करेंगे, इसको इतना के आसपास में ले आएंगे, 25 सेकंड के आसपास में। अब देख सकते हैं हम इसको जब प्ले करेंगे तो देख सकते हैं इसका बहुत जल्दी रेड हो गया। अब हमको इस वाले को क्या करना है, कलर चेंज करना है, यानी ये सही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको में आएंगे, इसमें इसको यहाँ पास देख सकते हैं रेक्टेंगल 5 है, इस पर क्लिक करेंगे, इसका हम दे देंगे ग्रीन कलर, अब देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया। अब चलिए हम इसको फर्स्ट पे इसको हम प्ले करेंगे यहाँ से, ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पास सेकेंड चलने लगा, सेकेंड चल जैसे ही खत्म होगा तो ये हमको बता देगा कि कौन सा सही आंसर है, और बाकी वाला कलर हमारा रेड कलर हो जाएगा। जैसे अब ये गो हुआ, इसके बाद गो होने के बाद देख सकते हैं बाकी कलर रेड हो गया, ये हमारा ग्रीन हो गया। तो आशा है, उम्मीद है कि आज के वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हमारे चैनल में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।